तो फ्रेंड्स, दिल्ली कैंप की सीरीज में एक पेशेंट और हैं जो कि हमारे पास गुजरात से आए थे। ये इनकी सेकंड सिटिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिकल सेल के पेशेंट हैं। तो जितने भी सिकल सेल पेशेंट वाले हैं लोग हैं जिनको एवियन हुआ है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने और सिकल सेल वाले पेशेंट्स को एवियन का ट्रीटमेंट दिया और उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा आपने हमारे चैनल में देखा होगा। तो उसी सीरीज में एक पेशेंट ये दिया, इनका नाम है बिरज पटेल जी। तो सबसे पहले बिरज पटेल जी को नमस्कार करेंगे। नमस्कार बिरज पटेल जी। नमस्कार। बताइए, फ्रॉम द बिगिनिंग कब से पेन आपको स्टार्ट हुआ और कैसे क्या किया? मुझे अगले महीने जब लॉकडाउन था ना 2021 समथिंग में, तब मुझे को थोड़ा लैम्पिंग होने लगा। तो हमको तो स्टार्टिंग में ऐसा ही लगा था कि मैं होगा कोई मसल्स प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग तो मतलब बेड रेस्ट, मतलब मैं तो पूरा मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बैठ पे ही बैठे बैठे सब कुछ हो रहा था, मूवमेंट कोई जात के थी नहीं। तो हमको लगा ही था मसल्स का प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग धीरे धीरे डॉक्टर को दिखाए, मसल्स वाले डॉक्टर ने बोला कि ये मसल्स का प्रॉब्लम नहीं है। बाद में ऑर्थोपेडिक्स के पास गए, बाद में उन्होंने बोला ये एवियन की प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा हुआ। बाद में उसके थोड़ी ट्रीटमेंट तो दे दी, हम लोगों ने एक ऑपरेशन भी करवाया था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं हुआ। बाद में यूट्यूब थे, हम लोग आपसे मिला, आपका वीडियो देखा, तो हमने बाद में आपके यहाँ आए, कानपुर आए थे पहली बार। ठीक है, तो जब कानपुर में आप आए तो उसका ट्रीटमेंट आपने लिया, तब कैसा लगा था? उस समय कितना इम्प्रूवमेंट दिखा था? कानपुर के जब पहले हमने सेशन लिया था तब इम्प्रूवमेंट था, लेकिन थोड़ा इतना जब नोटिफाई नहीं था हमको थोड़ा, लेकिन हमको एक्सरसाइज घर पे, हम लोग बाद में कानपुर से जब हमारा घर आए थे तो बाद में हमने थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ा कंटिन्यू रखा, थोड़ा अच्छा लगने लगा कि थोड़ा लैम्पिंग थोड़ा कम होने लगा, मतलब डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा था। और जब हमने यहाँ दिल्ली आके दूसरा सेशन लिया तो उसके बाद तो हमको बहुत अच्छा लगने लगा, मतलब पूरी तरह ही लैम्पिंग अपने गायब हो गई है। अब जिसको पता है कि इसको थोड़ा लैम्पिंग होता है, वो भी एकदम ध्यान से देखे तो ही मतलब मालूम पड़ता है, नहीं पड़ता ऐसा ही है, मतलब सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि अब मैं एवियन का पेशेंट हूँ, मेरे को ऐसा नॉर्मली लग रहा है, फील नॉर्मली फील हो रहा है। सही। तो देखिए, अब इनकी बात से आपको इतना समझ में आ गया कि ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब पहली सिटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट 10% 20% लेके जाता है, उसके बाद पेशेंट घर पर जाके खुद से एक्सरसाइज करता है, प्रिकॉशंस फॉलो करता है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट सामने आता है, और फिर उसके बाद जब सेकंड सेटिंग लिया तो और इम्प्रूवमेंट बढ़ता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एकदम आदमी परफेक्ट होता चला जाता है। तो सिकल सेल का केस है और ग्रेड भी 4th पहुंच गया था, उसमें काफ़ी ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा था इनका, तो उस हिसाब से इनका काफ़ी अच्छा। तो थोड़ा चल के दिखाएंगे कैसा चल पाते हैं। इस तरफ इधर ही चल रहा, मतलब चाल में कोई दिक्कत नहीं है, लगभग एक राउंड और ले लो। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से हम ऐसा दिखा रहे हैं। आइए बैठिए, उठने बैठने में भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं प्रॉब्लम। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटेल जी। और दूसरे अच्छा एवियन के पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे, खासतौर से सिकल सेल वाले को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आना चाहिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे आके एक बार देख लो अपने हिसाब से, जो हमको तो बहुत अच्छा लगा है, और हम भी चाहते हैं कि आपका भी हो सकता है कि आपका भी ठीक हो ही जाए मेरी तरह, क्योंकि हमको भी मतलब कुछ पता नहीं था कि हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन डॉक्टर तो यही बोल रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं होने वाला, लेकिन हमको तो ऐसा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इसलिए हम भी एक सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी यहाँ पे एक बार आके देख लें। तो सिकल सेल वाले अपना ट्रीटमेंट जो है उनका, वो सिकल सेल का वो तो कंटिन्यू रखे ही रखें, बट एवियन के लिए आप इस चीज ट्रीटमेंट को करें, साथ में अनुलोम विलोम जरूर करें, बहुत बहुत मायने रखता है, उससे ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छे से होता है आपके ब्लड में, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ठीक है फ्रेंड्स, Stay tuned with us. Till then, bye-bye.